नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और SGM नगर सेक्टर 48 हाउसिंग बोर्ड पर हम पहुंचे हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुड्डा विभाग द्वारा, ये 39 दुकानें आज तोड़ी गई हैं। और पुलिस विभाग और हुड्डा की टीम यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं पीला पंजा चलता हुआ, बड़ी कार्रवाई आज हुड्डा विभाग की। देखेंगे फरीदाबाद, बड़ी कार्रवाई है, 39 दुकानें आज तोड़ी गई हैं हुड्डा विभाग द्वारा, और ये 1, 2, 3, 4 दुकानें अभी बचाया है, 4 दुकानें बाकी हैं अभी। तो फाइलिंग करवा दिया पार्टी साहब की मेहनत रंग लाई और 39 दुकानें आज धराशायी होगी। 4 दुकानें रह रही अभी, ये तो 3 तो उसकी है ना, कोई ना ये ये दृष्टि है लीगल है, खाली दे भी करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, बड़ी कार्रवाई हुड्डा प्रशासन द्वारा आज SGM नगर हाउसिंग बोर्ड रोड पर की जा रही है। लगभग 39 दुकानें तोड़ दी गई हैं और ये 4 दुकानें बाकी हैं। अभी देखो बुलडोजर बिल्कुल तैयार खड़ा है, SGM नगर हाउसिंग बोर्ड रोड। बिल्कुल ग्रीन बेल्ट का बड़ी कार्रवाई, ये देख सकते हैं दुकानों को खाली कराया जा रहा है। तुम लोगों का पता नहीं होता, कब वहीं निकल के आ जाओगे 10 मिनट में घर से, क्या पता लग गया। लोकेशन भी बोला करो मिट्टू कुमार जी, लोकेशन SGM नगर हाउसिंग बोर्ड। और बड़ी कार्रवाई आज, बड़ी सिफारिशें लोगों की आई दुकानों के लिए। अभी हुड्डा के अधिकारी बता रहे थे कि मंत्रियों तक के फ़ोन आए इन कार्रवाई रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट के आदेश हैं और महिपाल भाटी हैं जिन्होंने केस लड़ा और ये दुकानें आज 12 साल बाद ये केस जीते हैं और कार्रवाई ये की जा रही है हुड्डा विभाग द्वारा। इन फरीदाबाद हुड्डा की कार्रवाई पर भी बड़ा शीर्षक खड़ा होता है कि 12 साल से हुड्डा कहाँ था, जब ये दुकानें बनाई जा रही थी हुड्डा विभाग कहाँ था। लेकिन सब मिली भगत होती है इसमें। कार्रवाई अभी चल रही है, पीछे आप सारा धराशायी कर दिया गया है, पीछे दुकानें तोड़ दी गई हैं और ये अभी कुछ ही दुकानें शेष बची हैं। अभी तो यहाँ से नाले और कुछ बहसबाजी हो रही है यहाँ पर। मैंने बोल दिया 39 दुकानों का,
और जो तीन दुकान हैं इनके लिए रोकने के लिए इनको बोला जा रहा है, इसको लेकर बहसबाजी चल रही है। सामान खाली कराया जा रहा है दुकानों का, और चार दुकानें भी शेष बची हैं। दुकानें दुखती हैं या टूटती हैं ये देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेक्टर 48 हाउसिंग बोर्ड, शीशे भी निकाल लिए गए हैं, शीशे भी लगे हुए हैं दरवाजे पे, देख सकते हैं शीशे उतारे जा रहे हैं दुकानों के ताकि नुकसान ना हो। ये भी देंगे क्या है? ये क्यों खाली कर रहे सामान है? ये क्यों खाली कर रहे सामान? ये उन दुकानों में रख रहे हैं, यहाँ से निकाल कर डाल रहे हैं। ये हाल तो ओलंग की चार दुकान रहेगी बस, ये बचेंगी है ना? ना बचेंगे ना बचेंगे, अभी देखो बात तो कर रहे हैं, बहस तो कर रहे हैं। सामान खाली करवा रहे हैं। वो कौन सा नीलवा रहे पंडित जी? अच्छा लाल की सलवार, पानी कौन सा? ये बहुत दिन देखो तो कट्टा हो रहा है। बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद दे सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 48 पर एक कार्रवाई हुड्डा विभाग द्वारा की जा रही है, और 12 साल से एक केस चल रहा था कोर्ट में, 12 साल में खूब कमा लिया था। डिसीजन आया है इस पर, महिपाल भाटी थे जिन्होंने एक केस डाला हुआ था कोर्ट में, और आज ये कार्रवाई की जा रही है। 39 दुकानें
पेपर बताए जा रहे हैं दुकानों की, हमारे पास पेपर हैं, रजिस्ट्री हैं। कागज मंगाए जा रहे हैं सेंटर वेंटर उतार लेते सारा कुछ हो जाता है, बढ़िया तरीके से खाली कर देते। बताया था परसों 9 तारीख को दी थी विधायक जी आए हैं, कैसे नहीं बताया विधायक जी आए हैं, 3 मक्खियां लाए हैं, बहुत ज़्यादा 9 तारीख को सबको पता गया है, सूचित किया गया है, नोटिस दे गए हैं। लेकिन पता है सबका उन्होंने कहा हमारे तो मकान मालिक अपने आप देखो, मकान मालिक सब गायब हो गए। देखिए जिला बंदर चलता हुआ धराशाई हो गया है, एक ही झटके में धराशाई होगी दुकान। नवीन 3 दुकानों के कार्य रुक दी गई है, कागज मंगाए गए हैं इनके, पुणे जोड़ेंगे सर। तो आपको बन रही है मसाज, बहुत बहुत धन्यवाद।